चलिए फ्रेंड्स, आज मैं सिखाती हूँ आपको पेपर माचे रेसिपी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले लेंगे टिश्यू पेपर, फिर लेंगे ये पुट्टी जो वॉल में क्रैक को जोड़ने के काम आता है, कॉर्नफ्लोर लेंगे और लेंगे ये मैदा, पानी की ज़रूरत होगी हमें, साथ में वाइट ग्लू की। दोस्तों इसमें आप दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, विनेगर और रिफाइंड ऑयल। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टिश्यू पेपर ले लेंगे। आप चाहें तो इसमें न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक तरीके से वेस्टेज के काम आता है, बट मैं इसमें टिश्यू पेपर का ये टॉयलेट पेपर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। आप चाहें तो इसमें टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, किचन रोल का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन पेपर्स को ले लेंगे और इसे पानी में भिगो देंगे। इस तरीके से पानी में इसको टुकड़े करके भिगो देने के बाद, अगर न्यूज़पेपर है तो उसे आपको कम से कम एक दो घंटे भिगो के रखना होगा, क्योंकि ये टॉयलेट टिश्यू है तो काफ़ी सॉफ्ट होता है। इस वजह से इसको मैंने तुरंत ही भिगो के तुरंत इसके पानी को एक कॉटन के कपड़े में निचोड़ दिया। और अब इसकी देखिए, इस तरीके से ये एक लोई बन के तैयार हो गई है, जिसे मैं इस तरीके से अलग कर लूँगी। आप चाहें तो इसके लिए मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आसानी से हाथों से ही हो जाता है, तो आप हाथों से ही कर सकते हैं। अब आप इसमें ऐड करेंगे पुट्टी, अप्रॉक्स 2 चम्मच पुट्टी, फिर इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, ये रिफाइंड फ्लोर होता है, फिर इसमें आप ऐड करेंगे थोड़ा सा वाइट ग्लू एज पर क्वांटिटी, आपको जितनी इसकी पॉट या बाउल बनानी है उसके अकॉर्डिंग। फिर आप इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे, फाइन नीडिंग करनी है इसकी। आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, आप इसमें रिफाइंड भी आपको डालना होगा अभी, और इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर और जो मैदा है ये सब इसमें, कॉर्नफ्लोर मकई के आटे को कहते हैं। इसको इस तरीके से गूदेंगे कि इसका इस तरीके से एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। आप देखिए ये अभी भी टूट रहा है, जब इसे हम अभी इसमें पुट्टी की ज़रूरत और है, आप इसमें थोड़ी पुट्टी और ऐड करेंगे। पुट्टी जो होती है ये POP होती है, वाइट सीमेंट होता है, जो कि दीवारों में कहीं क्रैक होता है या कोई होल होता है उसके
फ्रेंड्स, जो भी मेरे इस चैनल में नए मेंबर ऐड हुए हैं मेरी इस फैमिली में, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इस वीडियो को और मेरे हर वीडियो को आप शेयर करिए, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मैं कौन कौन से वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। और ये पेपर माचे रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है और इससे बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ बन के निकल के आती है। ये देखिए, मैं इसके एजेस को फाइन कर रही हूँ। यूज़ कर रही हूँ वॉल डेकोर बनाने के लिए, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में अपना जो है वॉल ऑफ प्लेट का वीडियो लेकर आऊँगी, उसके लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूखने के बाद इस तरीके से आपके वेसल से आसानी से छूट जाएगा, बिकॉज़ उस पर आपने ऑयलिंग कर रखी है। तो मैंने ऑयलिंग पहले से ही कर रखी थी और ये मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मास्किंग की हेल्प से, अब चलिए मैं हम लोग इसे कलर कर लेते हैं। मैं इसे कलर करने वाली हूँ, आप चाहें तो इस पर कुछ भी अपनी मर्जी का डिज़ाइन कर सकते हैं। मास्किंग टेप की हेल्प से मैं इस पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। मैं मेरा जो है ड्रॉइंग में थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। पहले इस तरीके से देखिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन देने के लिए फ्रेंड्स, और मैं इसमें वेरियस वाइब्रेंट कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये वॉल पे, बिकॉज मेरा वॉल जो है डार्क कलर का होगा, तो ये कलर्स जो हैं बहुत खिल कर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से पेंट हो जाता है। जहाँ पे भी आपको थोड़े से अनइवन दिख रहे हैं पेंट बिखरे हुए, आप उसको बाद में टचअप कर सकते हैं। मैं इसे बाद में टचअप करके सही कर लूँगी। फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल ही कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ इस पे इंडियन कल्चर का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो आप इस पे फ्लावर, लीव्स, कुछ भी कर सकते हैं डिज़ाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मास्किंग टेप की हेल्प से सारे डिज़ाइन को
कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो मेरी डिज़ाइन को फॉलो भी कर सकते हैं। ये मैंने एक 90 डिग्री के एंगल पे मास्किंग टेप को पहले से ही एक दूसरे पे पेस्ट करके बना लिया कॉर्नर शेप का, जो कि 90 डिग्री पे दिखेगा, या आप एल शेप कह सकते हैं। उसी की हेल्प से मैं आगे की डिज़ाइन को ड्रॉ कर लूँगी, और जहाँ कहीं भी पेंट अनइवन होते जा रहे हैं उसे आप बाद में टचअप कर सकते हैं, डोंट वरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से निकल कर आया है मेरा पेपर माचे रेसिपी से बना हुआ प्लेट। अब ये दूसरा, और इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा ये नेक्स्ट वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।